बिसमिल्मा रहीम नाजरन कर मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद रिजवी आप तमाम नाजरन का इस्कबाल करता हूँ प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में जिया नाजीन ये एक मौका उन लोगों के लिए है जो सवाल पूछना चाहते हैं जैसा आप तमाम लोग जानते हैं आज एक खातून हैं जिन्होंने बहुत अच्छे सवाल भेजे थे और वह गोवा की रहने वाली हैं जिनका नाम है महरून यासिन शेख बहुत ही बेहतरीन सवाल भेजे थे उन्होंने जिसकी वजह से चैनल ने उन्हें एक मौका दिया है तो आइए वक्त है इस प्रोग्राम में उनसे मुलाकात करें और उनका करें सलाम सिस्टर सलाम कैसी हैं आप अलहमदल मैं बिल्कुल ठीक हूँ अलहमदुल्ला आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में एक मौका के लिए सवाल भेजे लो तो कैसा लग रहा है यहाँ पर आपने हमें मौका दिया एक मौका में आने का और सवाल को यहाँ पे रखने का आपने मौका दिया जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ आपका और चैनल भी नहीं। आपने जो सवाल भेजे जिस तरह से जी। वो सवाल जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस है आपका उन सवालों के अंदर तो क्या आपने सोसाइटी के अंदर इस तरह की चीज़ें देखा है जी आ, कुछ मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसिस भी हैं और कुछ मेरे आ, जो नेबरहुड में जो सोसाइटी में मैं देखती हूँ जो रोजाना हमारी लेडीज फेस करती हैं उन्हें मैंने ऑब्जर्व किया और उनके ही जो तकलीफ है मैंने मेरे उसे सवाल बनाए ताकि यहाँ से यहाँ से जो भी मौलाना साहब जवाब देंगे तो वो सेटिस्फाई हो जाएंगी और अवेयरनेस भी हो जाएंगी कि व्हाट इज़ द रियल प्रॉब्लम एंड व्हाट इज़ द दल्यूशन ऑल्सो चलिए इनशाला हम लोग उम्मीद करते हैं गोवा से आप आई हैं आपका सफ़र कैसा रहा ठीक है अलहमद लाला बहुत सफ़र अच्छा रहा गोवा के बारे में कुछ बताना चाहेंगे हमारे नाजरन को क्योंकि गोवा एक ऐसे स्टेट है जिसके बारे में हम लोग सुनते रहते हैं लेकिन इतना मालूम नहीं है कि वहाँ पर आप जैसे लोग भी मौजूद हैं जी गोवा माशाल्लाह बहुत ही एक खूबसूरत स्टेट है जी. आ, लोग जैसे सोचते हैं गोवा एक इमेज आ जाता है गोवा इज नॉट लाइक दैट गोवा इज़ वेरी ब्यूटीफुल okay. वह, वहाँ का एक कल्चर है ब्यूटी है और इसका बेनिफिट आप देखने के लिए या उठाने के लिए आपको वहाँ आना पड़ेगा इंशाल्लाह जरूर एंड वी विल वेलकम यू प्लीज़ आइएगा थैंक यू वेरी मच अच्छा चैनल विन का वहाँ पे क्या रोल दिखता है आपको बिकॉज एक ऐसा स्टेट है जहाँ से मतलब आप आई हैं एक मौका प्रोग्राम चैनल विन को तो वहाँ पर क्या लगता है आपको कैसे देखते हैं लोग गोवा में देखिए वी डोंट हैव एनी थिंग लाइक आपको आपको जैसे दीन यहां पे हाँ। नसीब हुए हैं गोवा में हमें कोई भी वहाँ एक आलमी नहीं है अच्छा वहाँ पे कोई इमाम बारगा भी नहीं है ओके। तो बहुत सारे हमें प्रॉब्लम्स वहाँ पे फेस करते हैं जैसे कि कोई भी सवाल हो तो उसका जवाब वहाँ पे देने के लिए कोई भी आलिम मौजूद नहीं, नहीं है तो हम रहा करते हैं आप चैनल वन से हुँ, और थ्रू आपसे हमें मौलाना मिलते हैं जो आप फ़ोन पे दे देते हैं तो फिलहाल मैं कहूंगी कि चैनल वन इज़ प्लेइंग एज अ रोल ऑफ इमाम बारगा देर अच्छा, बट वी वांट योर सपोर्ट देर टू एक फिज़िकल भी वहाँ पे कुछ हो ताकि okay. हम भी वहाँ पे इल्म हासिल करें दीन से करीब रह सकें एक दीन ही नहीं हमारे इमाम बारगा दुनिया का भी रास्ता दिखाता है तो दीन और दुनिया का इल्म हम लोग हासिल करें ये भी हमारा हक है तो हम चाहते हैं कि वहाँ भी एक कुछ सेंटर हो हमारा ताकि तमाम इंसानियत वहाँ फ़ायदा उठा सके बिल्कुल इन लोग यहाँ पे देख रहे हैं और इस कॉन्सेप्ट को अगर वो समझना चाहते हैं या जो चीज़ ये वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आगे बात करना चाहती हैं या बनवाना चाहते हैं तो उसकी हेल्प भी इन लोग करेंगे आपको और साथ ही हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आप सवाल लेकर आई उम्मीद करते हैं जिस उम्मीद के साथ आप इस प्रोग्राम में आई हैं और उसी उम्मीद के साथ आप वापस जाएंगी कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम रहा है तो सवाल पूछने के लिए तैयार हैं जी मैं बिल्कुल तैयार हूँ तो जिया नाजिन आइए हम शो पर मुलाकात करते हैं और इस्ते करते हैं इस्लाम आली जनाब मौलाना फैजान हैदर ज़वादी साहब की बिबिला का सलामान साहब रहमतुल्लाह कैसे हैं आप अलहमदुल्लिया आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज जो हमारे ख़ार हैं सिस्टर जी है, इनके जरिए पूछे जाने वाले सवालों का जवाब आप देंगे आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे ये मौका दिया जी कि मैं आपके एक मौके पे दोबारा से आ सकूं। बिल्कुल मतलब ये प्रोग्राम बहुत खास होता है क्योंकि हम लोग जब सवाल करते हैं तो मतलब एक तैयारी होती है हम लोगों की लेकिन जो आते हैं गेस्ट आते हैं वो एक सोसाइटी को रिप्रेजेंट करते हैं और वो जानना चाहते हैं कि उनके सवाल कहें क्योंकि जैसा इन्होंने कहा कि इनके पास कोई रास्ता नहीं है कोई तरीका नहीं है जहाँ पर जी वो सवाल पूछ सकें चैनल भी नहीं ओनली इनके पास वे है जहाँ से इन्हें जवाब मिल सके जी तो जी उम्मीद जी करता हूँ कि जिस उम्मीद के साथ ये आई है इन जवाब मुतम बख्श होगा इन तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि जो जवाब मैं खाहर को दूं वो इनके लिए इतमान हो और इनके तमाम सवाल के मैं जवाब दे जी बहुत बहुत शुक्रिया तो जी हाँ नाजिन इन मुलाकात करेंगे आप तमाम लोगों से ये सवाल और जवाब के सिलसिले के बाद फ़िलहाल देखना ये होगा कि ख़ार के किस तरह के सवालत हैं और उसके क्या जवाब देने वाले हैं उजतलास्लाम आली जना मौलाना फैजान हैरत जवादी साहब कबला आप तमाम से बर करम गुजारिश है कि इस प्रोग्राम को ज़रूर देखें मौलाना साहब सलामकुम आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे सवाल के जवाब देने के लिए यहाँ पर तशरीफ़ लाए जी आपका भी बहुत शुक्रिया जी मुझे ये मौका मिला कि मैं आपके सवाल आपको दे सकूँ मैं मेरा पहला सवाल है मौलाना जी औरत की हकीकी तारीफ क्या है जी, जी और असल मकसद औरत का क्या है जी और इन अदर वर्ड्स लाइक व्हाट इज़ द रियल मीनिंग ऑफ़ देखिए सबसे पहले चीज के अल्लाह ने जब इंसान को खल किया तो उसको एक बास को एक पैर के फॉर्म में जो है खल किया है कुछ को जो है मर्द बनाया है कुछ को औरत बनाया है यानी दोनों ही औरत भी और मर्द भी इंसान की कैटेगरी में आते हैं यानी ऐसा नहीं है कि औरतों को लिए अलग कोई चीज़ डिफ़ाइन की गई हो उसके जो असली जो मकसद है वो उसके लिए अलग तय किया गया हो मर्द के लिए अलग किया गया नहीं अल्लाह की निगाह में दोनों बराबर हैं और क़र ने साफ़ तौर पर कहा भी है कि हमने व मा खल्जन वाल आबोदू हमने अल्लाह अल्ला कह रहा है कि मैंने इंसानों को और जिन को खल नहीं किया मगर ये कि इबादत के लिए अब मुमकिन है कि इबादत के फॉर्म्स अलग अलग हों यानि एक्चुअली होता ये है कि हमारे यहाँ आम तौर तो पर जो जब इबादत का जिक्र होता है तो सबसे पहला जो ख़याल जो जहन में आता है वो ये है कि ओके इबादत यानि अब हमको नमाज पढ़ने की बात हो रही है रोज़ा रखने की बात हो रही है हज पे जाने की बात हो रही है नहीं ऐसा ये ये वो ख़ास तरीक़ इबादत है जिसके लिए अल्लाह ने जो है अहकाम जारी किए लेकिन बहुत सारे ऐसे और भी काम हैं जो कि अल्लाह ने इबादत के दायरे में रखा है मसला जैसे रिवायत में है कि किसी मोमिन की ज़ारत करना इबादत है ख़ातून का घर में काम करना इबादत है तो इबादत का जो दायरा है वो बहुत ज़्यादा वसी है बहुत ब्रॉड है और हर शय के लिए अलग अलग फॉर्म्स ऑफ इबादत रखी गई है अल्लाह ने जो है वो अब जैसे यकीन जब ये कहा जा रहा है कि जिन के लिए भी इबादत है तो उसके लिए एक अलग कुछ और रखा होगा कि ये ये तरीका इबादत उसका खास ये है इसी तरीके से इंसान के लिए भी जो है वो जब एक स्पेसिफ़िक काइंड ऑफ इबादत की बात आती है तो फिर नमाज रोज़ा हज ये सब चीज़ों की बात होती है लेकिन जब आ, जब हम इस दायरे को और ज़्यादा वसी करते हैं तो इसमें और भी चीज़ें शामिल हो जाती हैं मसलन अगर एक खातून अपने बच्चों की तरबियत कर रही है तो ये इबादत है उसका ख्याल रख रही है तो इबादत है शोहर की खिदमत कर रही है तो वो भी इबादत है घर में अगर है अपने शौहर की अतायात की वजह से तो वो भी इबादत है अगर घर से बाहर जा रही है अपने शोहर के इत के लिए या अपने शोहर की इजाज़त साथ तो वो भी इबादत है तो हर तरीके से अलग अलग फॉर्म में अल्लाह ने इबादत को रखा है तो ये कहना कि औरत को डिफ़ाइन करना तो औरत जो है वो इंसान के ही एक कैटेगरी में है और उसमें ये कि मर्दों को औरत के ऊपर फजीलत है ऐसा बिल्कुल नहीं है यानी इस्लाम ये नहीं कहता है कि मर्द होना फ़जीलत का बायस है और औरत होना फजीलत की बाइस नहीं है मतलब मैं दूसरे अल्फाज में कहूँ तो औरत और मर्द को अल्लाह ने इक्वल पैदा किया बिल्कुल इक्वल पैदा किया इन क्राइटेरिया बैन कर दिया कि कौन ज्यादा फेवरेबल है कौन ज्यादा अल्लाह से नज़दीक है जो ज्यादा मुतकी है उसने ये नहीं कहा कि मर्द मुतकी होगा नहीं भी होगा तो चलेगा ऐसा नहीं है अगर औरत ज्यादा मुतकी है तो वो ज्यादा फेवरेबल है अल्लाह के नज़दीक ज्यादा है लेकिन अगर मर्द नाग नालायक है तो नालायक है उसमें कोई तकल्लुफ़ नहीं है कि ये कहा जाए कि औरत जो है वो किसी हालत में मर्द से कम है नहीं सारे भी जितने भी आप अगर कुरान में जो फरमाइशात है अभी अदीस की बात नहीं करूँगा सिर्फ कुरान को ही अगर आप देखें तो कहीं पर भी ये नहीं कहा गया है कि जहाँ पर मर्द को औरत के ऊपर फज़ीलत हो सिर्फ़ एक जगह पर है अरजाकवासा जो एक जगह पर है वो वहाँ पर क्या है कि मर्दों को अल्लाह ने ख़वातीन के सस्टेनेंस उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अल्लाह ने उनको अपॉइंट किया है मतलब मर्द कव्वाम है कव्वाम है कव्वाम किसे कहते हैं कव्वाम कहते हैं सपोर्ट को Only support or he should be protector also. Protector and support. Supporter in in other words he is supporting her in, in all kind of ways. अच्छा। तो जिसमें कहा गया है कि जहां पर वो उनको सपोर्ट करने के लिए आया है अदरवाइज कहीं पे भी यहाँ पे भी ये नहीं कहा गया है कि सपोर्ट कर रहा है इसलिए बेहतर है सिर्फ यहाँ पे कहा गया है कि यहाँ पे चूँकि जाहिर सी बात है कि जो खातून है वो एक सिंफ नाजुक है वो हर काम जो मर्द कर सकता है वो नहीं कर सकती तो उसको सपोर्ट की जरूरत है तो वहाँ पर आके इसको सपोर्ट दे लेकिन उसके बाद भी ये नहीं कह रहा है कि आप उनसे बेहतर हो जाते हैं तो दोनों हिसाब से जो इस्लाम की निगाह में वैल्यू एक मर्द की है उतनी ही वैल्यू जो है एक खातून की भी है। बहुत बहुत शुक्रिया मैं जी इस से जी मेरा अगला सवाल है सर कि आज अपने सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे हमारे लोग हैं मतलब स्पेशली औरतें जो जजमेंटल हैं और कंपैरिजन हमेशा करती रहती जी, है जी 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 और इसकी वजह से वो एक नफ्सियाती मरीज का शिकार हो रही है मतलब जेलिसी के अंदर भी जा रही है इसकी वजह से जी, जी। तो ये उनको किस तरह से ऐसे प्रॉब्लम से उनको निकलना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि ये जजमेंटल और ये सारी जो जेलिसी है ये उन्हीं के दुश्मन है मतलब ये जी, बिफोर इट अस हाउ टू कोप अप विद दिस बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बात कही है और ख़ास तौर पे आज के जमाने में ये मुसीबत ज्यादा बढ़ भी गई है स्पेशली लेडीज में लेडीज में और कहीं कहीं जो है ये बीमारी मर्दों में भी सराय कर रही है उसकी वजह जो है आजकल सोशल मीडिया का जो एक्सपोजर है उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा कम्युनिटी में प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं होता क्या है होता ये है कि आ, हम ये देखते हैं कि अगर आप मेजॉरिटी ख़ीन को देखें तो सबके पास आज के ज़माने में मोबाइल है अगर किसी के पास इंस्टाग्राम फेसबुक नहीं है तो कम से कम यूट्यूब ज़रूर है यूट्यूब्स पे सैकड़ों की तादाद में वीडियोस हैं जिसमें लोग जो है वो ये दूसरों की लाइफ्स को जज कर रहे होते हैं देख रहे होते हैं मतलब हमेशा ये लोग दूसरों की लाइफ को अपनाना चाहते जी। हैं जी और इसी चक्कर में वो अपनी इमाम आजिम की एक हदीस है और ये अगर हम और आप इस चीज को समझ लें तो जिसे कहिए कि गोल्डन रूल है जिससे आप और बाकी सबकी लाइफ जो है बेहतरीन लाइफ हो जाएगी आप फरमाते हैं कि किसी दूसरे के जाहिर को अपने बातिन से कंपेयर मत करो इसका क्या मतलब है मसलन हमने इंस्टाग्राम पे किसी को फॉलो किया देखा अरे आज यहाँ वेकेशन कर रहा है कल वहाँ वेकेशन कर रहा है आज यहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है कल वहाँ रेस्टोरेंट में खाना खा रहा है फिर हमने अपने तरफ देखा ओहो आज भी दाल रोटी है कल भी सब्जी है परसों पोस्ट करने के लिए कुछ हाँ है नहीं। कुछ नहीं है तो हमने क्या किया हमने ये देखा कि उसके जाहिर को देखा क्योंकि उसने एक फोटो जो डाली है उसको देखा कि लग रहा है सब कुछ बड़ा अच्छा अच्छा हो रहा है और हमने अपने बातें को यानी हमारी जो रोजाना की जो लाइफ है लाइफ को देखा और उससे कंपेयर कर रहे हैं तो ऑब्वियसली तो कंपेरिजन का जो पैरामीटर है वो गलत है हमने ये नहीं देखा कि वो बेचारा सुबह में छह बजे उठ के कितने जलील खबार होकर कहा से कहाँ पहुंचा है कहाँ कहाँ उसने धक्के खाए लेकिन उसने एक लम्हे में जो है हमारी ज़िंदगी के अंदर एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दिया कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी है और हमारी ज़िंदगी बहुत ख़राब है ये कंटेंट ना होना यानी काने ना होना कनाअ ना होना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके बाद जो है जब हम देखते हैं किसी और की लाइफ को तो ख़ातून क्या देखती हैं कि अरे आज तो वो बाहर चली गई खाने अब बताइए दो महीने से घर से बाहर नहीं गई तो इसे लगता है कि ये उसकी लाइफ तो बड़ी अच्छी हमारी लाइफ बहुत ख़राब है फिर अपने हस्बैंड भी बुरे फिर हाँ हैं। फिर वहाँ से प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं कि वहाँ आप भी करते हैं वो भी करते हैं फिर उसके बाद जो है अगर ही खुदा न खास्ता ये जो ख़ातून है जो सामने वाली जो खातून है उनको पर्सनली अगर जानती हूँ कि आ, उनके हालात बहुत अच्छे हैं वो वेकेशंस पे जा रहे हैं वो घूमने जा रहे हैं तो अब तो जिसे कहते हैं प्रॉब्लम कई गुना बढ़ गई जब तक अगर यूट्यूब पे या फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे देख रहे थे तो भी एक फ़ासला था लेकिन अगर आप पर्सनली किसी एक ऐसे को जानते हैं जहाँ पर आ, जिसको हम जज ये करते हैं कि वो उसके हालात बहुत अच्छे हैं हमारे हालात बहुत ख़राब हैं अब आपके घर की प्रॉब्लम कई गुना बढ़ चुकी है क्योंकि -क्यों 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 लगता है उसमें उसमें ऐसे कौन से के पर लगे हुए हैं कि उसके हालात इतने अच्छे हैं अब यहां से मसला शुरू होता है घर में प्रॉब्लम्स का और ये जाता है कुफर तक कहा कैसे yes, ऐसे कि सबसे पहली शिकायत तो खुदा से होती है जी। yes. ये कौन सा इंसाफ है हम तेरी इबादत करते हैं खुदा को ना मानने वाला हुआ तब तो और कि गुनाह वो करने वाला हराम खोरी वो करने वाला जनाकार वो है शराब खोर वो है सारी नियमतें उसके यहाँ हैं हम सुबह शाम जो है सजदे करते हैं तेरे मुस्तहब रोज़े भी रखते हैं इबादत भी करते हैं मुनाजात भी करते हैं सारी परेशानियाँ हमारे घर पर हैं फिर अब वो अल्लाह के ऊपर वो धीरे धीरे एतराज़ करना शुरू करता है। ये कैसा है बताइए हम आपके नेक बंदे हैं और हमारे साथ ये हो रहा है जो गुनहगार बंदे हैं उनकी लाइफ सेट है वो भी रहा है ये हम जज कर रहे हैं ना ये तो पैरामीटर तो हमने बनाया है कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह जो है वो जो गुनाह कर रहा होता है उसको ढील देता है ताकि फिर बाद में उसके पास कोई एक्सक्यूज ना रहे जब उसको सजा का वक्त आए कभी कभी ऑफिस में भी ऐसा होता है जैसे किसी आदमी को बाहर निकालना है एक आदमी ना कर रहा है हमेशा लेट आता है काम नहीं करता है तो ऑफिस में पहले दिन नहीं होता कि अगर पहले दिन उसको जो है कहा जाए कि तुम क्यों लेट आ रहे हो या तो ये होता है कि हर रोज़ उसको टोका जाए या ये होता है नहीं करने दो लेट आ रहा है कोई बात नहीं जब पूरा मंथ एंड हो जाएगा उसको एक लेटर दे, दे देंगे टर्मिनेशन का कैसा है अब आप घर जाइए। अब उसके पास जो है किसी एक्सप्लेनेशन की गुंजाइश नहीं है क्यों क्योंकि उसको एक महीने की मोहलत दी गई है कि एक महीने में हो सकता है कल ठीक हो जाए हो सकता है परसों ठीक हो जाए हो सकता है एक हफ्ते के बाद ठीक हो जाए इसी तरीके से जो गुनाह कर रहा होता है अल्लाह उसको मोहलत दे रहा होता है कि कल इसके पास कोई एक्सक्यूज ना हो कि हमको तो मोहलत ही नहीं मिली हमने आज एक गुनाह किया तो कल हमको सज़ा मिल गई नहीं मोहलत लीजिए आप ताकि जब आपका जिसे कहते हैं गुनाहों का घड़ा भर जाएगा तो फिर हमको तकलीफ हिसाब किताब में प्रॉब्लम नहीं इसी तरीके से हमारे घरों में भी यही प्रॉब्लम्स होती हैं कि हम एक दूसरे को देख देख के उनके जाहिर को देखते हैं उनके जो स्ट्रगल्स हैं उसको नहीं देखते जो आदमी अगर Uh, कोई अच्छा अर्न कर रहा है अच्छा कमा रहा है तो यकीन वो मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है ऐसा नहीं है कि वो घर बैठे हुए कोई ऐसा काम कर रहा हो जिसकी वजह से घर पर ले आ बैंक वाले पैसे दे जाते हो लीजिए आज का खर्च के लिए आप आप कहाँ बाहर निकले उड़ाइए नहीं वो यकीन मेहनत भी ज़्यादा कर रहा है तो अगर हर चीज़ अचीवेबल है अगर आप मेहनत करेंगे तो आप भी जो है वो आपकी भी लाइफ बेहतर हो जाएगी अब ये लेवल्स हैं आप जिस लेवल पे हैं और आप अपने से जो बेहतर वालों को आप देख रहे हैं लेकिन आपसे जो नीचे वाले हैं वो आपको देख रहे हैं जो आपसे ज़्यादा गरीब हैं वो आपको देख रहे हैं कि अरे इनकी लाइफ तो अच्छी है हमारे पास किराए का मकान है इनको देखिए कि इनके पास अपना खुद का मकान है जिनके पास एक रूम का घर है तो दूसरे दो रूम वाले को देख रहा होता है जिसके पास छोटी गाड़ी है वो बड़ी गाड़ी वाले को देख रहा होता है वो अपने से बेहतर की तरफ देख रहा होता है लेकिन दो चीजें हैं इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर ये चीज बायस होती है कि आप अपने अंदर एफर्ट पैदा करें और ये चीज अचीव करने की कोशिश करें तो यह एक पॉजिटिव बात है लेकिन अगर ये चीज बायस बनती है सबब बनती है कि आपके लाइफ में इससे कंफ्यूजन क्रिएट हो प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो फिर यह मसला है मतलब किसी को देखकर जजमेंटल नहीं, मतलब नहीं हो तिब्बता एक चीज कहा जाता है एक चीज होती है हसद जेलेसी ये आम है सर हां दिस इज नेचुरल ये हर जगह है एक चीज होती है क़िबता क़िबता ये होता है मसलन मेरा भाई है मसलन वो पढ़ने में बहुत तेज है तो मैं चाहूँ कि बताइए इसके चक्कर में मेरे घर में जो है रोज मुझे डांट सुननी पड़ती है अगली बार ये भी फेल हो जाए ये हसद हां फिर इसके भी नंबर कम आ जाए मसलन मुझे 70 आ रहे हैं उसके 90 आ रहे हैं तो बजाय इसके कि मैं ये कहूं कि बहर मुझे भी तोफीक दे कि मेरे नाइन्टी आ जाए मैं कहूँ इसके भी सेवेंटी आ जाए ताकि इसे भी डांट पड़े ये हसद है दूसरा फॉर्म जो है कि मेरे भी नाइन्टी आ जाए ये पॉजिटिव ये फॉर्म है उसका कि हाँ हम ये नहीं चाह रहे कि उसके कम हो जाए हम ये चाह रहे हैं कि मेरे भी बढ़ जाए ये जो है वो एक्सेप्टेबल है और इसको ताकीद भी की गई है कि आदमी को किबता करना चाहिए कि वो अपने अंदर भी इम्प्रूवमेंट क्रिएट करें ना यह कि दूसरा वाला भी कम हो जाए किबता मतलब यानी एक पॉजिटिव चीज की ख्वाहिश करना पॉजिटिव कंपैरिजन जिसे कहा जाए अच्छा। और जो जलसी होती है वो नेगेटिव कंपैरिजन होता है कि उसमें ये चाहते हैं कि सामने वाले क्या वो मुसीबत आ जाए अच्छा मतलब हम लोग जो जजमेंटल करते हैं वो पॉजिटिव तरीके से उसको कहा? लिया जाए ये करें कि उसके पास मोटिवेट मतलब हो जाए हाँ ये हो कि मोटिवेट हो जाए लेकिन उसमें भी बहुत सारे फिर मसाइल होते हैं कि हम पॉजिटिवली उसको आगे बढ़ाएं पहले ये देखें जरूरत है भी कि नहीं है कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रेंड होता है आजकल तो ये भी बड़ी मुसीबत है आज के दौर में जिसे कहते हैं कि एक नॉर्मल आदमी की लाइफ ज्यादा मुश्किल हो गई yes, क्योंकि हर रोज ट्रेंड्स आते हैं नए नए और हम ट्रेंड्स के चक्कर में न जाने कितने पैसे खराब बिना ये करें हम उसको फॉलो करते चले जाते हैं जी क्योंकि आजकल ये ट्रेंड है तो लिहाजा ये करना है किसने कहा यह करना शुक्रिया मौलाना साहब आपका जी मेरा अगला सवाल ये है कि आजकल वुमेन्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं स्पेशली इन वुमेन एम्पावरमेंट तो वो जा रही है अपने बिजनेस वर्ल्ड में अपने आप को एक काबिल इंसान बनाने के लिए जी. ताकि अपनी फैमिली लाइफ को भी मेंटेन रख सकें या फिर जी सपोर्ट जी. कर सकें फैमिली जी. को और उसके साथ साथ सोसाइटी की भी एक मदद हो जाती है लाइक like इकोनॉमी बढ़ जाती है सोसाइटी बिकॉज ऑफ हर कंट्रीब्यूशन इन द ए एम्पावरमेंट तो इस दौरान उसको अप्स एंड डाउन का बहुत फ़ेस करना पड़ता है और इन चैलेंजेस के बावजूद भी वो अपने आप को वहाँ मेंटेन रखने की कोशिश करती है लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सोसाइटी जो है सोसाइटी कह लूँ या फिर फैमिली कह लूँ या फिर नियर बाय सराउंडिंग्स हमारे जो नेबरहुड होते हैं दे डोंट सपोर्ट फॉर दिस फॉर अ वमेन और फैमिलीज़ uh, की जो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं कहीं ना कहीं उसको वहाँ पर वो रियल फ्रीडम नहीं मिलता है अपने एम्पावरमेंट uh, दिखाने के लिए हालांकि हमारी uh, Uh, बीबी खतीजा सलाम, सलाम वहाँ से हमको मोटिवेशन भी मिलता है लेडीज़ को कि यू कैन मैनेज बोथ फैमिली एंड बिजनेस राइट तो कैसे इन फेलियर्स को हम लोग सामना करना चाहिए लाइक हाउ टू कोप अप विद ऑल दिस प्रॉब्लम्स देखिए आपने बहुत अच्छी बात कही है आज के कुछ प्रॉब्लम्स हैं मैं इसको यहाँ पे आपको चाहूँगा कि दो चीज़ को यहाँ पे अलग करना चाहूँगा एक मर्तबा इस्लाम क्या कह रहा है वेमेन एम्पावरमेंट के बारे में विमेन वर्किंग विमेन्स के बारे में क्या वेमेन बिजनेस कर सकती है क्या वेमेन घर से बाहर जाके काम कर सकती है या वेमेन किस किस फील्ड में फाइनेशली एक्टिव रह सकती है जाकर बिजनेस कर सकती है जहां तक ये सवाल है वेमेन को इस्लाम ने हर तरीके की आज़ादी दी है जो जी चाहे वो कर सकती है मतलब इस्लाम हमें किसी भी शोबे में जाने से नहीं मना नहीं कर नहीं रोकता बिल्कुल भी जो भी ऐसी जॉब्स जहां पर क्योंकि अब यहाँ पे फिर मैं सोसाइटी की वजह से जो बाउंडेशन है उसको मैं बैन करना चाहता हूँ पहले मरहले में इस्लाम हर चीज की इजाजत देता है यहां तक कि अगर आप तारीख में जाए खुद पैगंबर के दौर में आईमा की भी बात नहीं करें तारीख में जाएं तो वहां पर बिजनेस वमेन्स का जिक्र मिलता है और जो उस जमाने में स्टिचिंग वगैरह काम करती थी उनका भी जिक्र मिलता है उस ज़माने में जो डेयरी प्रोडक्ट्स का काम हुआ करता था क्योंकि उस जमाने में इंडस्ट्रीज यही सब थी यही थी वो उस ज़माने में मेकअप एंड ब्यूटिशंस का जो जॉब हुआ करती थी ऐसा नहीं कि आज की है ये उस ज़माने में भी ख़ुद एक, एक खातून जो कब्लज इस्लाम जो मेकअप आर्टिस्ट कह लीजिए उनको उस ज़माने में या मेकअप करने वाली खातून जो थी अब जो भी उस ज़माने में तरीक़ा रहा हो वो जब मुसलमान हुई तो वो पैगंबर के पास आई आने के बाद उन्होंने पैगंबर से सवाल किया क्या रसोल्ला मैं इस्लाम लाने से पहले मेरा काम ये था कि मैं जो मैं मक्के की जो ख़ात थी मैं उनकी जो है ज़ीनत के लिए उनके अब जो भी करने जाए हो सकता है बाल उल काटती रही हूँ जो भी उस ज़माने में फ़ैशन का तरीक़ा था ये सब किया करती थी क्या मैं अपने इस काम को कंटिन्यू रख सकती हूँ रिकमेंड था कोई हर्ज नहीं आप इस काम को बिल्कुल कंटिन्यू रख सकते हैं तो इस्लाम की तरफ से कोई बंदिश नहीं है हाँ मुसलमान जो है मुसलमान की तरफ से बंदिशें हैं यानी इस्लाम ने खुली इजाजत दी है अब मुसलमान क्योंकि मुसलमान जो है वो इस्लाम की इमेज नहीं है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोसाइटी का इन्फ्लुएंस्ड एक आदमी है जो जिसका रिलीजन इस्लाम है अब सोसाइटी ने जिस तरीके से उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाला है जिस जगह पर वो रह रहा है जियोग्राफिकली भी और इकनॉमिकली भी और फाइनेशली भी और सोशली भी हर एतबार से उसके ऊपर उसका कुछ ना कुछ असर पड़ता है अगर वो किसी देहात में रह रहा होगा तब तो वो बिल्कुल भी बर्दाश्त भी नहीं करेगा कि उसके घर की खातून घर से बाहर निकले अगर वो किसी बैकवर्ड सोसाइटी में रह रहा होगा तो बिल्कुल भी वो उसको भी, उसको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि उसकी खातून मसल कहीं जाके काम करें तो जैसे जैसे आप देखिएगा जैसे जैसे शहर बदलता है माशरा बदलता है सोसाइटी बदलती है आप वहाँ पे महसूस करेंगे उतना ज़्यादा फ्रीडम वहाँ की सोसाइटी उनको देती है इस्लाम किसी चीज़ के मुखालिफ़ नहीं है इस्लाम सिर्फ एक काम ये कहता है जो आपके जो वाजिबात हैं जो आपकी ड्यूटीज़ हैं आप उसको मद्देनज़र रखते हुए जो जी चाहे करिए यानी आप अपने हिजाब की रायत करिए अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने शौहर के साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रखिए कि वो आपको सपोर्ट करे और आपको जो है वो आ, कहीं पर अगर आप वर्क आग प्लेस पर काम करना जाना चाह रहे हैं ओबियसली एक से भले दो होते हैं और आज के ज़माने में फाइनेशली बहुत सारे मसाइल हैं जिसको हो सकता है कि एक आदमी अगर अकेले काम कर रहा हो तो वो अपनी फैमिली को उस तरीके से सस्टेन नहीं कर पा रहा है उनको ज़रूरतें पूरी नहीं कर पा रहा है तो अगर कोई ख़ातून हाथ बटाना चाहती हैं ज़रूरत है तो हाथ बटाना चाहती है तो कोई हर्ज नहीं है कि जो है वो कहीं पर भी जाए और जा करके काम करें इस्लाम की तरफ से कोई मनाही नहीं है लेकिन प्रॉब्लम क्या है सोसाइटी की प्रॉब्लम वही मसला है लेडीज़ के साथ तो ये सोशल इश्यूज़ जो है ये हमारे देखिए मसला क्या है कि हिंदुस्तान की जो सोसाइटी है पूरे इंडिया की वो एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी है वहां पर कहीं पर भी जो है आप देखेंगे नॉट इवन जस्ट मुस्लिम्स इवन नॉन मुस्लिम्स में भी जो है ये मसला पाया जाता है कि उनके यहाँ की बेटी का घर से बाहर कदम नहीं निकालेगी मौलाना साहब आज आज के दौर में जी जी। बहुत सारे जैसे कि अपॉर्चुनिटीज़ हैं औरतों जी को जी। तो लेकिन भले ही मुझे एक माजरत और एक अफसोस के साथ ये सवाल करना पड़ रहा है कि जिस दौर में जहाँ एक औरत एम्पावर हो रही है लेकिन जी जी। मर्दों से ज़्यादा आजकल औरतों को एक औरत से ही तकलीफ मिल रही होती है तो ये हमें आ, मैं मैं आज ये सवाल इसलिए उठा रही हूँ क्योंकि हमारे सोसाइटी में जो औरतों का जो रोल है मैं चाहती हूँ ऐसे औरत समझें कि एक औरत को औरत सपोर्ट करना चाहिए एंड इट इज वेरी इम्पोर्टेंट ना कि उसे तकलीफ दे बाहर तो एन जी ओज लॉट्स ऑफ पीपल आर हेल्पिंग आज बट लेकिन अपने घर में स्पेशली इन फैमिलीज एक औरत औरत को सपोर्ट नहीं करती है सो इट इज हाउ कितना ज्यादा जरूरी है कि एक औरत औरत को सपोर्ट करे भले मतलब बजाय उसको तकलीफ देने के जी जी देखिए आपने बहुत सही बात बोली है जितना ज्यादा औरतों को मर्दों से खतरा नहीं है उससे ज्यादा खुद एक खातून को दूसरी खातून से खतरा है क्योंकि जो आ, बीच में एक बात निकली थी जेलेसी का जो आ, जी जेलेसी भी होती है जो जेलेसी एक, पाई एक एक जाती तकलीफ है तकलीफ होती है जी तो क्योंकि ये ख़ातून में कुछ ज़्यादा होती है क्योंकि इमोशनल जो एस्पेक्ट जो एक ख़ातून के अंदर होता है वो ज़्यादा होता है इस वजह से वो जेलेसी का मादा जो है वो भी ख़वातीन में ज़्यादा पाया जाता है इस वजह से अगर आप देखेंगे कि एक ख़ातून के मुकाबले में ख़ातून ही पहले आती है। मर्द जो है वो इतनी जल्दी आवाज़ नहीं उठाता है लेकिन अगर आप देखेंगे कि अगर घर के या सोसाइटी में कोई प्रॉब्लम है तो आप मर्दों को देखेंगे दे आर लीस्ट बॉदर्ड उनको फर्क नहीं पड़ता है मतलब ये मदद हमें बाहर से मिल रही होती है जबकि पहला हमारा हक हाँ होता है कि हमारे घर से हमें पहले मदद मिली तो वो ही सबसे बड़ा हमें तकलीफ देता है तो टेक्निकली जरूरत इस बात की है कि अब हम जो हमारे यहाँ जो खातन है हमारे यहाँ की जो लड़कियां हैं बच्चियां हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए जो पुरानी जनरेशन है अच्छा वो क्या करते हैं कहते हैं हमको मौका नहीं मिला हमारे अब्बा ने हमको कभी घर से बाहर तक कदम नहीं रखने दिया सबसे पहला सवाल यह है कि अगर आपके अब्बा ने आपको घर से बाहर कदम नहीं रखने दिया आप जो ये बात बयान कर रही हैं आप उस चीज़ को अप्रूव कर रही हैं या उस चीज़ के ऊपर एतराज कर रही हैं अगर आप उस पर अप्रूव कर रही हैं तो आपको कोई शिकायत होनी नहीं चाहिए या अगर एतराज कर रही हैं तो आप वाई मेकिंग द सेम मिस्टेक अगेन एंड अगेन एंड अगेन यानी आपको अगर कोई मौका नहीं मिला है मसलन एक खातून है उनको पढ़ने का बड़ा शौक़ है लेकिन उनके मसलन उनके फादर उनके ग्रैंड फादर उनके दादा ने कहा कि नहीं हमारे घर की बच्चियाँ मसलन पाँचवीं के बाद नहीं पढ़ती ठीक है।, है अब आपको इस बात का रिग्रेट है ना कि आपको ज़्यादा पढ़ने का शौक़ था लेकिन आपको पढ़ने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिली तो फिर अब आप, आप जब घर की इंचार्ज हो गई हैं तो वाई आर यू स्टॉपिंग योर डॉटर योर डॉटर इन लॉ या योर सिस्टर फॉर द सेम थिंग विच यू हैव बीन स्टॉप्ड फॉर फ्रॉम अगर आपको तकलीफ़ हुई है उस प्रॉब्लम से तो अब आपको तो समझना चाहिए ना कि उसके दर्द क्या है कि आपको मौका नहीं मिला लेकिन मेरे बेटे या मेरी बेटी को या मेरी बहन को या मेरी बहू को घर की उसको मौका मैं दूंगी कि वो ज़्यादा जाकर पढ़े जो काम मैं नहीं कर सकी वो ये करें जैसे एक बाप लेकिन, लेकिन मौलाना साहब वही तो हो रहा है यही तो वो नहीं समझ रही है यही तो, ही वो सपोर्ट भी नहीं कर रही है। जी प्रॉब्लम ये है कि हम उसी चीज के बारे में कंप्लेन करते हैं और हम खुद भी वही काम करते हैं मतलब वो ट्रेंड चला आता वो है। ट्रेंड चलता चला आ रहा है अगर समवन हैज टू ब्रेक दिस चेन अगर हम भी वही करते रहेंगे कि मुझे नहीं करने मिला तो तुम्हें भी नहीं करने मिलेगा ये तो भी तो कभी होगी ना मैं नहीं बन पाई तो तुम तुम भी तुम्हें नहीं बनोगी होना ये चाहिए कि मैं नहीं कर पाई मुझे मौका नहीं मिला मैं पूरी कोशिश करूंगा आई कोऑपरेट कि तुम्हें मौका मिले तुम ये काम करो फॉर एग्जांपल ये ऐसा भी हो सकता है कोई बहू है जो सास से बहुत आ, ताने सुन सुन के वो फिर वो जिंदगी गुजार चुकी होती जे, है जे। फिर वो एक दिन सास बनती है तो वो, फिर भी वो अपनी बहू को सेम ट्रीटमेंट वो दे रही होती है तो ये ट्रेंड चला रहा है आई मीन जब आपको सेम ट्रीटमेंट अगर मिला आपको उस ट्रीटमेंट से प्रॉब्लम हुई तो फिर अब आपको ये ट्रेड, ये जो ट्रेंड है इसको यहीं पर रोकना पड़ेगा ना आप आगे क्यों बढ़ा रहे हैं? लेकिन होता क्या है कि पहले वो सुन चुकी हैं तो ऐसा लगता है कि अब जब मेरी बहू आएगी ना तो मैं उससे वही वाला बदला दूंगा तो हमारे सोसाइटी में भी ये अवेयरनेस की जरूरत है बिल्कुल तो हमें समझाना पड़ेगा ये हमेशा चलता रहेगा और ठीक अलहमदिल्ला अपने आप थोड़ा सा जिसे कहा जाए कि एजुकेशन बढ़ रही है थोड़ा सा जो है आ, लोग जो है वो इस चीज़ की तरफ मुतवज़ हो रहे हैं और काफ़ी हद तक एटलीस्ट पढ़ी लिखी सोसाइटीज़ में ये चीज़ें कम हुई हैं या तो उसने अपना फॉर्म चेंज किया है अगर न कहा जाए कि कम हुई लेकिन अलहमद थोड़ा बेहतरी है लोगों को जब पढ़ाई की वैल्यू समझ में आई है और आज के दौर में मैं तमाम लोगों से कहूँगा कि एजुकेशन के साथ साथ अपने घर की बेटियों को कोई हुनर भी जरूर सिखाए मे बी शी डजन नीड इट लेकिन कल किसी ने नहीं देखा है क्या सिचुएशन हो सकती है मसला अगर आप अपनी बेटी को कोई एक हुनर सिखाते हैं सिलाई है कुकिंग है मेकअप है कुछ भी वो हुनर हमें हुनर की खसूसियत यह होती है कि यह हमेशा रहता है एक्सपायर नहीं होता है कि एक्सपायरी डेट आ गई खत्म हो गया स्किल इज वेरी मे बी एजुकेशन जो है आज जो हमने पढ़ा या हमने जो पढ़ा था अपने टाइम में अब वो एजुकेशन जो है रोज़ एडवांस होती है रोज बेहतर से बेहतर होती है जो हमने पढ़ा था हो सकता है आज जो है वो उस, उसकी उतनी वैल्यू ना हो आज कुछ नई चीज़ें आ गई हूँ लेकिन जो स्किल होती है वो हमेशा साथ देती है हमेशा जिंदगी में रहती है खुदा ना करे किसी के ऊपर कोई मुश्किल वक्त पड़ेगा तो मुमकिन है कि उसकी एजुकेशन उसको साथ ना लेकिन उसका उसकी जो स्किल होगी वो उसको इंडिपेंडेंट होने के लिए काफ़ी हो अगर उसको सपोज कुकिंग आती है और अगर खुदा नखास्ता किसी का हस्बैंड जो है वो एक जल्दी दुनिया से चला जाता है और फिर होता ये है कि नॉर्मली आमतौर पर तो होना ही चाहिए कि घर वालों को मेम्बर्स को उस खातून को सपोर्ट करना चाहिए लेकिन मैं देखता हूं कि जैसे ही किसी के ऊपर मुसीबत आती है तो सब लोग हाथ ऊपर कर देते हैं कि अब इतने बड़े जो एक्सपेंसेस हैं बच्चों की एजुकेशन है फिर बाद में उनकी शादी करानी कौन बोझ उठाएगा मुझसे मतलब नहीं है नहीं। अब ये जो खातून थी अब ये एजुकेटेड जरूर है ये लेकिन ये बाहर जॉब करने नहीं जा सकती क्यों क्योंकि ये घर में इसके मसलन दो बच्चे हैं लेकिन अगर इसके पास स्किल होगी तो ये काम घर में रह के भी कर सकती है मतलब अगर कोई स्किल सीखती है तो शी कैन प्रोड्यूस अर्निंग एबिलिटी एबेलिबली तो इससे अपनी बच्चियों को स्किल जरूर सीखाए कोई एक हुनर जिसमें जो चीज भी उसको अच्छा लगता हो पेंटिंग कर सकती है पेंटिंग आप उसको इनकरेज करें कि वो अच्छी पेंटर बन जाए लेकिन सर आजकल क्या है स्किल तो है दे आर लर्निंग स्किल के साथ साथ उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं रहता है बहुत सारी औरतों के पास बहुत सारे स्किल्स हैं बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंस भी नहीं है और उनके साथ साथ दे डोंट हैव एक्सपोजर like, भी नहीं है जी जी. वो थोड़ा सा अपने आप को समझते हैं कि जी. हम नहीं कर सकते confidence उनके अंदर नहीं जी होता जी. है। ये एक इमोशनल फैक्टर होता है खातून के अंदर उनको लगता है कि मुझसे नहीं हो पाएगा लेकिन आई बिलीव के खातून जो है वो एक मर्द से ज्यादा उसका जो इरादा होता है वो एक मर्द से ज्यादा मजबूत होता है जो मल्टी खातून कर सकती है वो मर्द नहीं कर सकता है

अपने बच्चों को भी वो देख रही है अगर किसी का फोन आ गया तो फोन पे भी है आप किसी मर्द से करवा के दिखाइए पता चला चूल्हे में जो है वो खाना जल चुका है और बच्चे को पता ही नहीं कि वो क्या पढ़ रहा है और वो फोन पे बात कर फिर है। भी हम कहते हैं कि पुरुष प्रधान जी इसीलिए मैं कह रहा हूं कि इस्लाम ने जो क्राइटेरिया बनाया है उसमें औरतों और मर्दों को बिल्कुल इक्वालिटी दी है उसने कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि मर्द जो है वो औरतों से बेटर है लेकिन दूसरी तरफ जो है वो खातून को जो है वो बहुत सारी ऐसी हुनर दिया है बहुत सारे ऐसे एबिलिटीज दी है जो मर्द को नहीं दी है लेकिन मसला क्या है खुद खातून ही इस चीज को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं क्योंकि नॉलेज नहीं है नॉलेज नहीं है अपने बारे में जानती है। नहीं है वरना वो जो है वो बहुत सारे काम जो है अगर आप देखें कि ऑफिस वगैरह में ज्यादातर जॉब अपॉर्चुनिटीज जो है वो को क्यों मिलती है क्योंकि वो मल्टी कर सकती है और उनके साथ जुल्म क्यों होता है क्योंकि वो नहीं है। so again, बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब मेरा आज का आखिरी सवाल है जी. आज आ, हमारी जिंदगी एक इतनी एक पस्त सतह पर जा रही है कि ताल्लुक अब अहम नहीं रहे रिलेशनशिप अभी मैटर्स नहीं कर रहे हैं हमारे जवान यूथ को लाइक दे डोंट केयर अबाउट व्हाट इज रिलेशंस फादर एंड मदर खाला पोपी जो भी रिलेशंस हैं उनकी अहमियत अभी नहीं रही है बस अपना पर्सनल इंडिपेंडेंट प्राइवेसी उनको चाहिए अपने लाइफस्टाइल मेंटेन करना चाहिए तो इस दौरान वो ताल्लुक से बहुत दूर जा रहा है जी, जी, तो ऐसे बिजी वर्ल्ड uh, में एक पेरेंट्स को एक चैलेंज भरा एक uh, सामना करना पड़ रहा है तो हाउ टू मेंटेन दिस के ताल्लुकात हमारे अहम रहे कि हम ताल्लुक के आ, साथ लेके चले लाइक ले ताल्लुक़ को भी समझे और हुस्ने ताल्लुक को भी हम जाने देखिए बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम पढ़ाई के जरिए से अपने बच्चों को सिखा सकते हैं लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें हमें करके दिखाना पड़ेगा अक्सर होता यह है कि जब हम जिस चीज को अहमियत देते हैं बच्चे भी हमारे उसी चीज़ की अहमियत को समझते हैं जब हम किसी चीज़ को अहमियत देना कम कर देते हैं तो बच्चे भी ऑटोमेटिकली क्योंकि वो ऑब्जर्व करते हैं हमारे एक्शंस को okay. पुराने ज़माने में आ, ऐसा होता था कि बच, बच्चा चला स्कूल में पढ़ाई हो रही है लेकिन माँ बाप ने कहा कि ऐसा है कि दस दिन मुहर्रम के हैं लिहाजा स्कूल स्कूल छोड़ो चलना है गाँव मुहर्रम के लिए वो जनरेशन जो है आज उससे अगर आप कहेंगे कि दस दिन मुहर्रम के या आशूर के दिन तुम्हें जॉब पे आना है वो कभी नहीं आएगी क्यों क्योंकि उसने इस चीज़ की अहमियत को उन्होंने अपने वालदे से उनके एक्शंस के ज़रिए से है अगर हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे सिल रहम को समझें रिश्तेदारियों को समझें फैमिलीज़ को समझें तो हमें इम्पोर्टेंस को शो करना पड़ेगा यानी अगर उनके यहाँ कोई अच्छा बुरा होता है नॉट नेसेसरीली कि उठ के चले जाएं नहीं फ़ोन पे बात करें या फ़ोन पे बात करवाएं बच्चों को कि बेटा देखो ये तुम्हारे चाचा हैं ये तुम्हारे मामा हैं जब हम पहचानवाएंगे तो वो पहचानेंगे जब हम जो है वो सिर्फ इंतज़ार करेंगे कि दो तीन साल में किसी घर में कोई एक शादी होगी तो हम लोग उसमें शादी में जाएंगे शिरकत करने के लिए तो फिर उनको ही लगेगा ये दो तीन साल में एक ही बार इनसे मिलने काफ़ी है मतलब प्रैक्टिकल पेरेंट्स को प्रैक्टिकली पेरेंट्स को करके दिखाना पड़ेगा कि ये उनके यहाँ कोई तकलीफ है तो आपको जाना पड़ेगा आप जाएंगे अपने बच्चों को साथ में लेके जाएंगे देखो उनके यहाँ सपोज किसी की तबीयत खराब हो गई है तो हम जब जाएंगे अगर हमने फ़ोन करके पूछ लिया तो हमारे बच्चे समझेंगे ओके ये काम फ़ोन से भी हो सकता है तो हमने वो क्या करेंगे वो आइंदा भी यही तरीका अपनाएंगे शॉर्टकट वाला कि फ़ोन कर लिया और चाचू कैसे हैं तब ये ठीक है अच्छा ठीक है खुदा हाफिज मतलब बच्चों से ज्यादा आजकल पहले माँ बाप को ताल्लुकात और इम्पोर्टेंस समझना बहुत जरूरी वही है। मैंने कहा कुछ चीजें सिखाने वाली है कुछ चीजें करके दिखाने वाली तो ये हमें करके दिखाना पड़ेगा तभी जो है वो हमारे बच्चे इस चीज़ को इम्पोर्टेंस को समझेंगे अदरवाइज हम बताते रहे नहीं समझेंगे तो जिया नाजीन एक बार फिर से आप तमाम तो का इस्ते करता हूँ मैं हाजिर हूँ आपका मेजबान साजिद रिजवी आइए देखते हैं किस तरह के सवाल रहे और उसका जवाब क्या था और जो सिस्टर हैं जो ख़ार हैं जो इस प्रोग्राम में आई हैं उन्हें कैसा लगा इस प्रोग्राम में आकर ओके okay, आपने तो सवाल बहुत अच्छे अच्छे किए अब हम आपसे जानना चाहेंगे कि कैसा लग रहा है आपको अपने जवाब पाकर माशा मौलाना साहब ने मेरे सवाल के जवाब बहुत बेहतरीन अंदाज से मुझे दिए और उनके जवाब सुनकर मुझे एक मोटिवेशन भी मिला है कि कि क्या नॉलेज होना चाहिए बिल्कुल ओके तो मुझे मेरे सारे सारे सवालों के जवाब बहुत ही बेहतरीन अंदाज़ में मिले हैं और मैं सेटिसफाई भी हूँ चलिए बहुत बहुत शुक्रिया मैं चाहता हूँ कि आप उन लोगों से कुछ कहें जो आपकी तरह ही सवाल रखती हैं और उन्हें उनके पास प्लेटफॉर्म नहीं है उनके पास तरीका नहीं है तो आप उनसे कुछ कहना चाहेंगी कि जो सवाल है उसे आप ज़रूर पूछें आ, मैं तमाम लेडीज़ को वुमेंस को ये मैसेज देना चाहती हूँ कि आपके अंदर भी अगर कोई ऐसे सवालत हैं जो जो आपके पर्सनल ज़ात से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं आप वो फ़ियर में आकर नहीं कर पाती हैं लेकिन चैनल विन जो है एक ऐसा आपको मौका दे रहा है और यहाँ पे दीन एक ऐसे नॉलेजेबल uh, स्कॉलर्स uh, हैं जो दीन ही नहीं बल्कि दुनिया का भी नॉलेज उनके पास है लाइक दे गिव यू द मैसेज विथ बोथ द फ्रॉम बोथ द साइड लाइक like, आप आ, कैसे वुमेन एंट्रप्रनर भी बन सकती हैं और कैसे आप अपने घर के लाइफ को भी मेंटेन कर सकती हैं बिना अपने डेली नीड्स को डिस्टर्बेंस किए हुए तो प्लीज़ आप अपने सवालात को लेकर आइए और कीजिए और अपने जो भी जवाब हैं उसे सेटिस्फाई हो जाइए ताकि आपको मोटिवेशन मिले आगे बढ़ने का जी बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से चैनल मैन की तरफ से करते हैं कि आपने काफ़ी वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आई बहुत शुक्रिया आपका भी बहुत मैं सब आपसे जाते जाते जाना चाहेंगे जो तो आपने जवाब इनके दिए हैं खास लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिस तरह के सवाल इनके थे जी जी क्या ये सोसाइटी की आने वाले दिन में ज़रूरत बन रहे हैं या सोसाइटी को और ज्यादा जागने की जरूरत है ख़ार ने जो सवाल पूछे हैं वो मुमकिन है कि हमारे यहाँ की अक्सरियत जो ख़ातन अपने घरों पर हैं उन सब के हों खास तौर पर मुझे एक अच्छी बात जो सवालत में लगी वो ये है कि सवाल जो है वो अप टू डेट हैं घिससे पिटे टिपिकल सवाल नहीं नहीं थे बल्कि आज की जो यूथ की जो डिमांड है जो डिफ़िकल्टीज और प्रॉब्लम्स जो वो फेस कर रहा है उससे रिलेटेड सवाल थे और मैंने अपनी जानब से कोशिश की कि खाहर को और जो लोग जो सामीन हैं जो देख रहे हैं उनके भी अगर डाउट्स उनके जहन में कुछ रहे हों तो वो क्लियर हो जाए बिल्कुल क्योंकि एक इमेज जो इस्लाम की बन रही है या बनाई गई है या बन गई है जी कि एक ऐसा एक 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 रिलीजन है जिस जो इस्लाम के जिसने ख़वान को बिल्कुल चारों तरफ से घेर के रखा हुआ के रखा है बिल्कुल जकड़ लिया है और उसके पास कोई फ्रीडम नहीं है तो ये गलत इमेज है बल्कि जितना ज़्यादा वमेन एम्पावरमेंट के ऊपर इस्लाम ने ताक़ की है फ्रॉम डे वन ऐसा नहीं है कि धीरे धीरे ऐसा हो गया हो नहीं आप इवन क़ुरान से ले लीजिए और अहद नबवी से ले लीजिए शुरू से डे वन से ही जो है वो हकूक की बात राइट्स की बात बात उठाता है इर्स की बात आज भी जो है बहुत सारी जगह पर औरतों को इनहेरिटेंस में हिस्सा नहीं मिलता है लेकिन इस्लाम ने डे वन से ही उनको हर तरीके के पावर दिया है हर तरीके के राइट्स दिए हैं तो तो है, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल 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 कोई डिस्क्रमिनेशन नहीं है अल्लाह ने भी जो है वो उसका जो क्राइटेरिया है वो बिल्कुल क्लियर है कि अल्लाह के नज़दीक वही है जो ज्यादा बेरोजगार मुती है उसने ये नहीं कहा कि मर्द है कि औरत है बिल्कुल तो मुमकिन है कि खातून बहुत सारे मैदानों में मर्दों से आगे निकल जाए तो इसमें कोई हैरत नहीं होनी चाहिए बहुत शुक्रिया आपका एक बार फिर से चैनल की तरफ से करते हैं कि आपने काफ़ी वक्त निकाला और इस प्रोग्राम में आप आए बहुत शुक्रिया तो जी जिया नाजीन हमारी सोसाइटी को ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जो सोसाइटी के बारे में थोड़ा सा फ़िक्र करते हैं क्योंकि जो उनकी फिक्र होती है वही सोसाइटी और हमारे माशरे को बहुत ही खूबसूरत बनाती है और खूबसूरत बनाने के लिए ज़रूरी होता है कि आप सोसाइटी के बारे में सोचें और वो गलत फहमियाँ हैं जो हमारे माशरे में उसे दूर करें अगर ऐसे ही सवाल आपके पास भी हैं और आप प्रोग्राम एक मौका में आना चाहते हैं तो चैनल विन आपका इस्तेबाल करने के लिए तैयार है बस ज़रूरत है कि बेहतरीन सवाल होने चाहिए प्रोग्राम एक मौका आप और आपके सवाल में आने के लिए अगर आप भी सवाल पूछना चाहते हैं और इस प्रोग्राम में आना चाहते हैं तो आप ईमेल कर सकते हैं ई एम विन सेवन एट सिक्स एट द रेट साथ ही व्हाट्सअप के ज़रिए भी आप हमसे रबता कर सकते हैं और व्हाट्सअप पर भी अपना सवाल अपने सवाल भेज सकते हैं व्हाट्सअप नंबर है नाइन सिक्स फिर किसी प्रोग्राम में आप तमाम नाजिन से मुलाकात करेंगे रखिए अपनों का ख्याल देखते रहिए चैनल में बहुत शुक्रिया